आज की इस वीडियो में आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूं एक्सिस बैंक की चेकबुक। एक्सिस बैंक की जो चेकबुक है कितने दिन में आती है, आपको स्पीड पोस्ट से मिलती है या आपको ब्लू डार्क से मिलती है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप सभी इस वीडियो को बिना स्किप के वॉच करते रहिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो है आप देख सकते हो, ये है एक्सिस बैंक की चेकबुक और इसे जो है मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ। कितने दिन में मेरी चेकबुक आया है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है नाम लिखा हुआ होगा आपका, यहाँ पे जो आपका कम्प्लीटली एड्रेस है वो यहाँ पे लिखा हुआ होगा और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है, मैंने सिक्योरिटी पर्पज के कारण अपना जो मोबाइल नंबर और एड्रेस है वो हाइड कर रखा है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सिस बैंक प्राइम। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो है आपको कुछ इस प्रकार से डिटेल दी हुई होती है और यहाँ पे जो आपकी ब्रांच डिटेल होती है, आपकी जो किस ब्रांच से ये चेकबुक आई है, किस ब्रांच में आपका अकाउंट है। तो फ्रेंड, मैं जो है इसे थोड़ा बैक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने जैसे ही बैक साइड से कर लिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हो फोन नंबर, आप देख सकते हो यहाँ पे फोन बैंकिंग NOS और यहाँ पे जो है नॉन टोल फ्री, यानी ये जो नंबर है NRI कस्टमर केयर के, ये नॉन टोल फ्री हैं। और यहाँ पे देख सकते हो वैल्यू एडिट सर्विसेज योर बैंक। तो यहाँ पर जो है आप इसे पढ़ सकते हो, काफ़ी सारी जो यहाँ पे अपडेट है यहाँ पे लिखी हुई हैं और इसमें जो है हमारी जो फैसिलिटी है, SMS के थ्रू हम अप्लाई कर सकते हैं, SMS के थ्रू अपनी चेकबुक ATM, तो इसमें जो है सारा कुछ यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हो, मैं जो है इसे यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो है आपको अपनी जो चेकबुक है यहाँ से ओपन करनी है। तो चेकबुक की जो पैकिंग होती है वो काफी हार्ड होती है। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो है आप देख सकते हो, ये जो चेकबुक का जो फ्रंट पेज होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो मैं जो है यहाँ पे इसे अब आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है ये होती है, फॉर एग्जांपल, अगर हमारी जो चेकबुक है ये फुल फिल हो जाती है, यानी पूरी भर जाती है, तो हम जो है इस चेकबुक को दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं इस रिसिप्ट के जरिए। इस पे हमें डेट डालना है, यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर और यहाँ पे कस्टमर ID और यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल ID और यहाँ पे सिग्नेचर करने के बाद हम जो है दोबारा से चेकबुक अप्लाई कर सकते हैं इस पेज के थ्रू। तो यहाँ पर जो है मैं बैक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो, इसमें होता है यहाँ पे रिकॉर्ड स्लिप। इसमें जो है जब भी हम किसी को चेक देते हैं तो उसका जो रिकॉर्ड है इसमें हमें लिखना पड़ता है। तो रिकॉर्ड जो है हमें लिखना पड़ता है और हमको जो है लिखना भी चाहिए, क्योंकि बाई चांस ऐसा होता है कि हमारा जो चेक है वो खो जाता है तो हम जो है उसे कैंसिल कर सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे रिकॉर्ड स्लिप के एक पेज है यहाँ पे और एक पेज ये है, यानी दो पेज हैं एक ही पेज में जो है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, फाइनली यहाँ पे आपका जो अकाउंट नंबर है, यानी जो आपकी चेकबुक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल आसानी से यहाँ पे आपका नाम होगा और आपका यहाँ अकाउंट नंबर होगा और यहाँ पे जो है आपकी ब्रांच की डिटेल होगी। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो है आप देख सकते हो, ये होती है एक्सिस बैंक की चेकबुक। तो फ्रेंड, यही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कुछ नए टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, मेरी जो ये चेकबुक है मेरे को 3 दिन के अंदर मिल चुकी है। मैंने जो है 11 तारीख में अप्लाई किया था और ये जो चेकबुक है मेरे को 14 तारीख को रिसीव हो चुकी थी। तो फ्रेंड, यही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगली।